गुरुग्राम के थाना बादशाहपुर पुलिस ने पोस्को एक्ट में 5 साल से फरार चल रहे शातिर अपराधी को कोलकाता से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को चकमा देने में माहिर आरोपी नाम बदलकर एक शहर से दूसरे शहर में वारदातों को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बादशाहपुर में एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और उसी दौरान उसने एक 12 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। 29 अगस्त को थाना बादशाहपुर में एक कंप्लेंट मिलती है जिसमें कंप्लेनेंट कहते हैं कि उसकी बच्ची के साथ लापता हो गई है और उसके साथ दुष्कर्म करने की साजिश का भी अंदेशा है। इसमें बादशाहपुर पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्रवाई करते हुए लड़की बरामद की थी और हमने आरोपी को हर संभव प्रयास करके पकड़ने की कोशिश की। बार बार पुलिस ने इस पर रेड भी लगाई और विभिन्न राज्यों में और आसपास के जिलों में भी इसकी पूछताछ वगैरह करी। 5 महीने के बाद जितने भी हमारे पास एविडेंसेस थे, जितने भी हमारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थी, उसके सहायता से कोलकाता में इसके हमारे सूत्र पता चले और वहाँ पर जब हमने रेड डाली तो हमारी रेड सफल रही और उसके बाद 23 जनवरी को ये आरोपी हमने बादशाहपुर पुलिस में इसको पकड़ के कोर्ट में पेश किया। ये आरोपी लड़की से कैसे संपर्क में आया और इस पर क्या कितने मुकदमे हैं पहले? ये जो व्यक्ति है, ये आरोपी है, ये उसी सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और इसके ऊपर पहले भी 5 मुकदमे दर्ज हैं जिसमें एक मुकदमे में इसकी 5 साल की सजा भी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। वही अब देखना ये होगा कि पुलिस की पूछताछ में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पंजाब केसरी TV के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।